औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करें, वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। होम्योस्टेसिस हमारे पास होता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो इंटरनल बॉडी हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, जब वो कांस्टेंट होते तो उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर या फिर जो वाटर लेवल होता है, वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कंट्रोल देयर इंटरनल कंडीशन। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना इंटरनल कंडीशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें बॉडी टेम्परेचर है, वाटर लेवल है, ब्लड लेवल है, ठीक है, शुगर लेवल आ जाते हैं। तो दे यूज़ वेरियस मेथड्स टू मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन। वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेरियस मेथड्स को यूज़ करते हुए अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं क्या करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसको हम होम्योस्टेसिस करते हैं। तो आज हम होम्योस्टेसिस और इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट। मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मतलब कि ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इस एबल होता है। तो वो एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके, तो उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू कीप अ इंटरनल कंडीशन कॉन्स्टेंट व्हेन द आउटसाइड इन्वायरमेंट कीप ऑन अ चेंजिंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट द सेल्स अगेन फंक्शन प्रॉपरली। अब देखें, इसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अब आप देखें हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो सकता। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज होते रहता है और एक्सटर्नल जो हमारे पास जो इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है, इंटरनल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है टेम्परेचर का, वो क्या होता है, कांस्टेंटली चेंज हो रहा होता है। तो क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो फंक्शन प्रॉपरली कर रहे होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपरली हमारी बॉडी इस एबल होती है कि वो उन इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर पाती है, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं वो फंक्शनली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे जो इंटरनल कंडीशंस आ जाती हैं वो क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेजर होम्योस्टेसिस फंक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फॉलोइंग हम दो एग्जांपल्स को आज स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस की जो एग्जांपल्स हैं कि किस तरह वो फंक्शन होता है। द अमाउंट ऑफ अ वाटर एंड सॉल्ट इन अ बॉडी फ्लूड आर कीप अ कॉन्स्टेंट। इफ द अमाउंट ऑफ अ वाटर एंड सॉल्ट इज नॉट अ नॉर्मल, द बॉडी फ्लूड बिकम अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूटेड। इन सच अ कंडीशन सेल्स cannot carry out a metabolism. Excretion is the main process which help in the osmoregulation, regulation of a amount of water and salt. अब क्या कहते हैं कि amount of water and salt in the body fluid, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट की अमाउंट होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। लेकिन अगर वाटर सॉल्ट की जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर वो नॉर्मल नहीं है, तो फ्लूड क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है या फिर डायल्यूट हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में सॉल्ट की और वाटर की अमाउंट कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो या तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा सोल्यूशन, बॉडी फ्लूड जो हमारे पास ब्लड होता है तो उसी को ही हम बॉडी फ्लूड कहते हैं, ठीक है। वो या तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा या फिर डायल्यूट। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि जो मेटाबोलिज्म वो क्या हो रहा था, प्रॉपरली नहीं हो रहा था। हमने नाइन्थ चैप्टर में ये, नाइन्थ क्लास में हमने ये पढ़ा था मेटाबॉलिज्म क्या होता है। नाइन्थ क्लास की सिक्स चैप्टर में हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था कि इंटरनल बॉडी जो केमिकल बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कैटाबॉलिज्म हो रहा था, एनाबॉलिज्म हो रहा था, उसको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं। कि बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब बॉडी फ्लूइड क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, डायल्यूट हो जाता है, तो जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिज्म नहीं करवा रहे होते हैं। इसकी मेन वजह क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन इज द मेन प्रोसेस विच हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। अब क्या होता है, एक्सक्रीशन मेन प्रोसेस है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर की जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करवाने में जो हमारी हेल्प करते हैं वो क्या है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। अब साइड पे ये साइड बॉक्स दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओनली टेक प्लेस इन अ स्पेसिफिक फिजिकल एंड अ केमिकल इन्वायरमेंट। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो एक ख़ास जगह पर स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है।
स्पेसिफिक फिजिकल इन्वायरमेंट भी चाहिए और केमिकल इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो उसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रोसेस हैं वो क्या हो रहे होते हैं, नॉर्मल फंक्शनली नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो सेकंड है इसकी एग्जांपल, द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग, दिस चेंज इज आल्सो अफेक्ट ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म्स कीप देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा होता है इन्वायरमेंट में, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसका आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी इस एबल होती है कि वो उस टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर पाती है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब ज़्यादा ठंड होती है तब भी हमें पता चल जाता है, फिर हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो क्या है कि दिस चेंजेस आल्सो अफेक्ट द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो उसकी वजह से हमारे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज। अब बाहर जब टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, तो हमारी बॉडी का भी जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसी हिसाब से हमें ठंड, बाहर देखें अब ठंड होती है, हमें भी ठंड लगनी शुरू हो जाती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम क्या हो, गर्म हो जाएं। तो उससे क्या होता है, हमारा खून, जब हमें गर्मी लगती है, इसी तरह जब गर्मियाँ होती हैं बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट हो रहा होता है, तो उससे हमारी हमें भी क्या लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है। तो थर्मोरेगुलेशन, इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज चेंज हो रहा होता है कि बाहर भी और अंदर भी, इसको हम थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस से कंट्रोल करते हैं। वो एक ऐसा मैकेनिज्म है बाय विच ऑर्गेनिज्म कीप देयर इंटरनल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, अपना इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं। जब भी बात आएगी अमाउंट ऑफ अ वाटर और साल्ट की, कि वाटर और साल्ट के बारे में जब पूछेगा कि वो कांस्टेंट नहीं होते, नॉर्मल उसकी नहीं होती अमाउंट है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, डायलूट हो जाता है, तो तब हम बोलेंगे कि एक्सक्रीशन होनी चाहिए। एक्सक्रीशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑस्मोरेगुलेशन होती है और जो वाटर और जो साल्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दूसरा, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज में थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है मेन, जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना बॉडी इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। सो आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। सो आप, उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ तीन चीज़ें याद करनी है, होमोस्टेसिस, इसकी दोनों डेफिनेशन। ठीक है, दोनों डेफिनेशन तो आपने, एक ये होमोस्टेसिस की डेफिनेशन आ गई, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आ गई, थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन आ गई। और होमोस्टेसिस की जब एग्जांपल पूछी जाएगी तो आपने ये वाली एग्जांपल या फिर ये वाली एग्जांपल, दोनों में से आप कोई एक दे दें, लेकिन अगर आप दोनों देते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी और आपको इससे ज़्यादा अच्छे नंबर भी मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा, कहीं से कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।